तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं 30-40 डेज के बाद मैं आज आप लोगों को ये छोटा सा अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, और आने वाले टाइम में एक आप लोगों को अच्छे से अच्छे अपडेट अब देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा था तो इस चक्कर में अपडेट नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब आप सभी को अपडेट रेगुलर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये दिल्ली मेरठ RRTS और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे केपी संत के चैनल पर दोस्तों। और तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से रोड को बनाया जाता है, कितने मजदूर लगते हैं, कौन सी मशीनें लगती हैं, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी देखो और इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ये अपडेट अच्छा लगे तो हमें एक लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो कर लेना। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों केपी संत के चैनल पर, कि रोड किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से इसका रोड लोलर चलते है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो रोड लोलर है ये वाला, ये ज़्यादा दबा नहीं पाता है, क्योंकि जब जो ट्रक से निकलते हैं वजन लेके, वो डाबर को पार देते हैं, रोड को एक साइड कर देते हैं, इतना वजन होता है इनमें, और इनमें उससे नहीं है तो ये दब नहीं पाता। जो पुराने वाले रोड लोलर थे दोस्तों, उनमें ज़्यादा वजन था तो वो दबा देते थे सही से, लेकिन ये नहीं दबा पाता। देखो आप लोग भाई, ऊपर ही ऊपर दबा देता है छुट्टे। अब जैसे कि टू व्हीलर हुए, फोर व्हीलर हुए, यानी कि ये गाड़ियाँ हुई, नहीं बस इनके लायक तो ये ठीक है रोड लोलर, बाकी तो ये भारी व्हीकल के लिए तो बेकार है दोस्तों। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों केपी संत के चैनल पर। तो मेरी गुजारिश है आप सभी से, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वॉच करो इस वीडियो को, और अब रेगुलर अपडेट में लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को परेशानी और दिक्कत ना हो दोस्तों। देखो ये बस दो उंगर बस डाबर पड़ा हुआ है, देखो किस तरीके से मशीन ये फैलाती चली जा रही है डाबर को। और देखो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये चौड़ाई भी हो जाती है इसकी मशीन की, काफ़ी चौड़ाई हो जाती है। देखो ये लग रहे हैं ना, इससे चौड़ाई हो जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। जो इसमें ब्लैक टॉप भरा हुआ है वो ट्रक आगे है, वो भी आप लोगों को अभी देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बने रहो ऐसे ही वीडियोज़ देखो, क्योंकि मैंने सोचा यार काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, परेशान चल रहा था, तो इस चक्कर में दोस्तों मैं अपडेट नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों को अपडेट रेगुलर देखने के लिए मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग निराश मत होइए, आप लोगों को केपी संत के चैनल पर जैसे पहले आप लोग वीडियो देखा करते थे अपडेट्स पर डे, ऐसे ही अब देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिनों के बाद में इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी कर दी जाएगी दोस्तों, तो आप लोगों को और भी देखने के लिए मिलेगा। देखो इसमें ये कॉन्क्रीट भरा हुआ है जिसमें डाबर मिक्स है दोस्तों। देखो पहले तो ये रोड पे बिछाया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने आगे देखा था स्टार्टिंग में, और देखो ये ट्रक है, ये इसमें डालता चला जाता है, और ये मशीन ट्रक को आगे बढ़ाती चली जाती है, और इसकी ऊपर लिप टूट जाती है, तो ये देखो यहाँ से जाती है, इसमें बेल्ट भी लगी हुई है। और आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बना कर भी दिखा दूँगा, तो आप लोग बताना दोस्तों, ठीक है, कि आप लोगों को देखो। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये ब्लैक टॉप पता है कहाँ पर किया जा रहा है, आप लोगों को बता दूं, जो आपका गाजियाबाद कलेक्ट्रेट से स्टार्ट होता है दोस्तों, और ये जाएगा गोविंदपुरम चौकी तक दोस्तों, यानी कि ये गाजियाबाद में पड़ता है, तो उस पर ये सर्दियों में ये बारिश की वजह से ये रोड में गड्ढे गुड्ढे हो जाते हैं दोस्तों, तो इसी वजह से ये नया ब्लैक टॉप बिछाया जा रहा है दोस्तों। और ये है यहाँ पर CBI, और देख सकते हो आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आप लोग बता देना
कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों, और पर डे आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर ले।